Na buddhi bhedam janayed gyanam karma sanginam joshayet sarva karmani vidvan yuktah samacharan. Na buddhi bhedam janayed gyanam karma sanginam joshayet sarva karmani vidvan yuktah samacharan. अर्थात विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें वो सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो ये भगवान ने एक प्रकार से एक और गाइडलाइन तय की है कि विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जब हम भक्ति करते हैं तो भक्त को ऐसा लगता है, कहते हैं ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। तो एक वैष्णव को, एक भक्त को, भगवान के भक्त को लगता है कि ये लोग कितने अधोपतन के शिकार हैं, कितने पतित हो गए हैं। इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कई बार भक्त प्रयास करने लगते हैं कि वो दूसरे को बताएं, दूसरे का मार्गदर्शन करें कि भाई आप ऐसे ना जिए, आप भगवान कृष्ण के भक्त बन जाएं और जीवन के अभीष्ट को, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। लेकिन यहां भगवान ने बताया है कि विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वास्तव में विद्वान व्यक्ति को अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये हमारे परिवार के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, जिन्हें लगता है कि ये कर्म ही हमारी पूजा है, उन्हें ऐसे विद्वान व्यक्तियों को रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि विद्वान व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि अगर हम इन लोगों को अपना काम करने से रोकेंगे तो इनका मन विचलित हो जाएगा, और अगर इनका मन विचलित हो गया तो हो सकता है कि वो जीवन से निराश हो जाए, जीवन से हार मान ले। तो हमारे जितने भी अनुष्ठान हैं, जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी कर्म हैं और जितने भी हमारे भौतिक कार्य हैं, वो सब के सब भगवान कृष्ण को जानने के लिए है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि हम अनंत काल से बद्ध हैं, बंधे हुए हैं, कंडीशनड लाइफ जी रहे हैं, हम कंडीशनड सोल्स हैं, तो इसीलिए हम इंद्र तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। और इसीलिए कई लोग जब वेदों का अध्ययन करते हैं तो इसी दृष्टि से करते हैं कि हम कैसे इसमें से अधिक चीजें बटोर सकें, कैसे हम सारे यज्ञ कर सकें ताकि हमारी इच्छाएं पूरी हो सकें। तो जो कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो भक्त है, वो हमेशा हमेशा ये प्रयास करता है कि लोगों को सही बात बताए। लेकिन इस प्रयास में उसे ये समझना होगा, वो उन्हें ये दिखाए कि कैसे सारे कर्म फलों को भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। बस इतनी सी बात। क्योंकि अज्ञानी पुरुष को अगर हम उसके कार्य में छेड़ेंगे तो हो सकता है कि जो काम वो पूजा समझ के कर रहा था, हो सकता है उसी काम में उसका मन न लगे और उस काम को वो बोझ समझकर करने लगे। तो यहाँ बताया है भगवान ने बहुत ही प्यार से कि विद्वान व्यक्ति को ये चाहिए कि जो व्यक्ति भी सकाम कर्म में आसक्त है, सकाम कर्म अर्थात वो कर्म जिनसे हम फल की आशा करते हैं, जिनसे हम उम्मीदें लगा बैठते हैं कि हम इस काम को करने से ये प्राप्त करेंगे, तो ऐसे सकाम कर्मियों को कभी भी आप उनके कर्म को करने से रोके नहीं, नहीं तो उनका मन विचलित हो जाएगा, और जहां उनका मन विचलित हुआ वहीं वो जीवन में निराश होने लगे। इसीलिए भक्त को भक्ति भाव से कर्म करते हुए इस प्रकार से काम करना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को, जिन्हें अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसे लोगों को सारे कार्यों में लगाए, इस प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे वो धीरे धीरे भक्ति के स्तर तक उठ सके। मसलन अगर कोई व्यक्ति जो इंद्र तृप्ति में मग्न है, जो सकाम कर्मी है, अगर वो कुछ कमा रहा है, पैसे लाता है और वो दान करना चाहता है, तो भक्त को चाहिए कि वो उसका पैसा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाए, या उसे इस प्रकार से प्रचार करे कि ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रतिशत अपनी आय का
भगवान की सेवा में अर्पित करें, इससे उसे फायदा हो।